नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और उत्तराखंड के बुलेटिन में सबसे पहले बात बड़ी खबरों की। होटल और ढाबों में खाने पर थूकने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। राज्य के पुलिस प्रमुख अभिनव कुमार ने राज्य के सभी SSP को इसके लिए एक आदेश जारी किया है। DGP ने आदेश दिया है कि होटल और ढाबों में काम करने वालों का वेरिफिकेशन किया जाए। सभी होटल्स के किचन में CCTV कैमरे होने चाहिए। खाद्य विभाग और नगर पालिकाओं के साथ पुलिस की टीम भी रेड डालेगी। इसके अलावा थूक जिहाद में शामिल लोगों पर BNS की धारा 274 और 196 के साथ ही पुलिस एक्ट में भी गंभीर कार्रवाई की जाए। असल में इससे ठीक पहले CM धामी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए थे और अलर्ट किया था कि त्योहारों के सीजन में ऐसा नहीं चलेगा और साफ कहा था कि थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब खाने में थूकने जैसी घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। मसूरी और देहरादून से दो मुस्लिम कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे थूक जिहाद करार देते हुए कहा कि देवभूमि में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंगलवार को त्योहारी सीजन के मद्देनजर अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि त्योहारी सीजन में कोई इस तरह की करतूत ना करे। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेजी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे, ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीजन आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीजन में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हिंदुवादी संगठन दो कदम और आगे बढ़ते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के लोगों को अपनी मकान दुकान किराए पर ना दें, ताकि वो यहाँ पर व्यापार ही ना कर पाए। जबकि BJP प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर बाहरी मुस्लिमों को इसकी वजह बताया है। अगर हमें थूक जिहाद को या इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को या जिहादियों को, देवभूमि को जो नरक बना रहे हैं, अगर इनको रोकना है तो इनको अपनी मकान जमीन दुकान नहीं देनी होगी, तभी जाके हम ऐसे लोगों को इस देवभूमि में रोक सकते हैं। तो हम चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में भी इन लोगों पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने व्यक्ति को कोई मूत्र वाली चाय, थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी? ये देख, षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, इस षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए और देवभूमि के स्वरूप को यथावत बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक थूक जिहाद पर बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार इसके खिलाफ विशेष अध्यादेश लाने की तैयारी में है, तो उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्दी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। चमोली के गौचर में हुई मारपीट और बवाल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी रिजवान, सलमान और आसिफ पर केस दर्ज किया। इनके अलावा 80 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया है। गौचर में हालात नियंत्रण में हैं और इसके लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गौचर में मामूली बात को लेकर दो दुकानदारों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद मारपीट की स्थिति बन गई थी। बवाल इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। कुछ जगहों पर आगजनी जैसी खबरें भी आईं और इसी दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी। वहीं तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गौचर में धारा 163 लगाई गई है। मैं सुबह दुकान में सफाई कर रहा था तो दो ये मसाले वाले बाप बेटे आके स्कूटी को हटाने के लिए बोलने लगे कि रास्ते में खड़ी क्यों कर रखी है, हटा लो। इस चक्कर में वो गाली गलौज करने लगे, जिस चक्कर में थोड़ी सी बहस होने के बाद हथापाई होगी और उसी को लेके हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये सारे जितने भी मोमडन लोग थे, 80-90 इकट्ठा थे, कम से कम 20-25 तो लड़कियाँ थी, बच्चे थे। वहाँ इन्होंने
सबने औरतों ने और सबने मिलके मुझे मारा, ईंट से मेरा सर पे भी मारा जिससे बहुत खून बहा। एक पार्किंग को लेकर विवाद हुआ है दो समुदायों के बीच, तो वहाँ मजिस्ट्रेट संतोष पांडे जी ने BNSS धारा 163 लागू कर दी है नगरीय क्षेत्र गोचर और कर्णप्रयाग में, और SP साहब के माध्यम से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात है। स्थिति अभी नियंत्रण में है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जाए। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 22 से 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन हो सकेगा, जबकि 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 4 नवम्बर का दिन नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। केदारनाथ में कुल 90,540 वोटर्स हैं, जिनमें 44,765 पुरुष वोटर्स हैं, तो महिला वोटर्स की संख्या इससे ज्यादा 45,775 हैं। कुल 173 पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाएंगे। मतदान का जो तिथि तय हुआ है 20 नवंबर मतदान की तिथि तय हुई है और 23 नवंबर को मतगणना का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। इसके अनुसार हमारा जो है 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक का जो ये अवधि होगा, इस बीच में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होगी। पूरे केदारनाथ विधानसभा में उप निर्वाचन के लिए 173 पोलिंग स्टेशन्स को तैयार किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर है, आबकारी विभाग से जुड़ी ये खबर। आबकारी विभाग ने वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने में 2,404 करोड़ की कमाई की है। पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 272 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस साल कमाई का आंकड़ा 4,439 करोड़ है और 6 महीने में इस आंकड़े का आधे से ज्यादा हासिल किया जा चुका है। और इसी के साथ उत्तराखंड में बनने वाली शराब और बियर का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। उत्तराखंड से 3,27,000 पेटी शराब और 78,000 पेटी बियर एक्सपोर्ट की गई है। देहरादून में सचिवालय के सामने शराब की दुकान पर 2 IAS ऑफिसर्स भिड़ गए। 15 दिन के लिए DM ने दुकान को सस्पेंड कर दिया, तो सरकारी कमाई को बचाने के लिए कमिश्नर ने DM का आदेश स्टे कर दिया। अब शराब का ठेका बंद है, लेकिन मोर्चे खुल चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सचिवालय के सामने शराब की इस दुकान पर 8 अक्टूबर से सील लगी है। ठेके के बेसमेंट में खुलेआम शराब पीने की शिकायत पर DM सविन बंसल ने एक्शन लिया। 15 दिन के लिए शराब की दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। DM देहरादून ने अपनी धाक दिखाई तो एक्साइज कमिश्नर हरिचंद सेमवाल ने DM के आदेश पर ही रोक लगा दी। DM देहरादून को रोक बर्दाश्त नहीं हुई तो एक्साइज कमिश्नर को लेटर भेजकर रोक हटाने के पीछे की वजह भी पूछी। शराब की दुकान में अभी भी ताला लगा हुआ है और दोनों अफसरों के बीच टेंशन बना हुआ है। जिले में किसी भी शिकायत पर एक्शन का अधिकार DM को है, तो सरकारी टेंडर की दुकान से पैसा जमा कराने का काम एक्साइज कमिश्नर का है। जिस दुकान को बंद किया गया उससे 15 दिन में 75 लाख के नुकसान का अनुमान है, और अगर दुकान बंद रहेगी तो सरकारी पैसा कौन भरेगा? सवाल पूछने पर DM कहते हैं कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन दुकान कब खुलेगी इस बारे पर कुछ नहीं बोले। कोई प्रकरण नहीं है, जो भी हुआ है विधि सम्मत हुआ है और इसमें कंसर्न्ड ऑफिसर से हमारी बात भी हो चुकी है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। सो ऐसा कोई क्लैश का इशू कोई किसी प्रकार का नहीं है। जो भी विधि सम्मत ऑर्डर होगा उसका पालन किया जाएगा। DM कानून और नियम की बातें कह रहे हैं, तो कमिश्नर हरिचंद सेमवाल के मुताबिक गड़बड़ी शिकायत पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन विभाग को कमाई के बारे में भी सोचना है। विभाग के कमिश्नर के नाते हमारा ये दायित्व भी है कि आबकारी राजस्व का जो लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है समय अंतर्गत तो उसकी प्राप्ति हो, अगर उसमें कोई रुकावट आती है, कोई व्यवधान आता है, तो उस पर ध्यान देने के लिए विभाग सजग रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। जहां तक अवैध माल विक्रय की या अनियमितताओं की समस्याएं हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो कार्रवाई हम कर भी रहे हैं, आगे भी जारी रहेगी। दोनों IAS अफसर सरकार के नुमाइंदे हैं और किसी भी IAS का काम सरकार के काम को आसान करना है।
लेकिन अभी शराब की दुकान खोलने की तारीख डीएम नहीं बताना चाहते, तो जल्द दुकान खोलकर शराब बेचना एक्साइज कमिश्नर की मजबूरी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग विभाग में चयनित हुए 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान है और हर युवा को इसमें अपना योगदान पूरी ईमानदारी के साथ देना चाहिए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सभी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो, इस पर सरकार का फोकस होना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि पहले पेपर्स में धांधली होती थी और नकल माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, लेकिन हमारी सरकार कठोर नकल विरोधी कानून लेकर आई कि अब नकल माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्रक्रियाओं में लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने शिष्टाचार मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। इस दौरान राज्य के विकास से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड की कालाढूंगी विधानसभा से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत एक बार फिर अपने बोलों को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल भगत ने एक सभा के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के लिए दो बार कुछ ऐसा कह डाला जिससे लोग ठहाके मारते नजर आए। भगत ने मजाक ही मजाक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने को लेकर मजे करने वाला नेता करार दिया और फिर उन्हें बात ही बात में गंजा भी कह डाला। हालांकि भगत जब ये सब कह रहे थे इस दौरान सभा में जमकर ठहाके लगे। हालांकि बयान वायरल होने के बाद भगत ने अब साफ किया है कि वो और सुबोध उनियाल बहुत अच्छे दोस्त हैं, लिहाजा उन्होंने मजाक में ये बातें कही थी। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी और हमारे मित्र कांग्रेस से आए यहां मजा कर रहे हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री और मेरे बहुत अभिन्न मित्र श्रीमान सुबोध उनियाल जी इस क्षेत्र के बहुत ही यशस्वी सांसद। और अब नजरें पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं। पहाड़ टॉप 10 में रुड़की के पिरान कलेर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। एक गाड़ी से 10 क्विंटल पनीर जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजा। रुड़की में ड्रग विभाग ने कई मेडिकल स्टोर्स में छापेमारी की। 5 दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे। अल्मोड़ा एसएसजे यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋषिकेश नगर निगम को लगातार तीसरी बार पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान मिला, जबकि रुड़की नगर निगम दूसरे स्थान पर। उत्तराखंड में मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी संगठन के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। टिहरी के कीर्तिनगर में आयोजित तहसील दिवस में डीएम ने लोगों की शिकायतों को सुना और अधिकारियों से शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निस्तारण को कहा। पिथौरागढ़ में राज्य मानवाधिकार आयोग ने कई शिकायतों की सुनवाई की। इस दौरान आयोग के सदस्यों ने 23 शिकायतों की सुनवाई की, 3 शिकायतों का निपटारा हुआ। बागेश्वर में बाल विज्ञान कांग्रेस में डीएम ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विज्ञान मॉडल और प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। हरिद्वार में 17 अक्टूबर से 4 दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा जिसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी।
कोटद्वार में इन दिनों जगह जगह बिछाई जा रही नई पाइपलाइंस ने शहरवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। खुदाई के दौरान कई जगहों पर जल संस्थान की पाइप लाइन टूट गई है। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।